दोगे भाई जगदीश जी पांडोर के आप पिताजी हैं। एक बार जगदीश जी को याद करते हुए बसंत भाई के लिए आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें। बसंती भाई पांडोर बोलो तालियों से। एक बार बैठ गए प्रेरणा स्थली मानगढ़ की पावन धरा पर हमारे पुरखाई देव पूर्वजों और आप सभी भीलवंशी समुदाय धर्मपूर्वी समुदाय आदिवासी समाज के सभी विद्वान शिक्षाविद साथियों आप सबको मैं भील राणा पूजा की धरती पानरा की ओर से और आज जो मुझे एक जो जनजागरण का जो माहौल दिख रहा है आज जो ये भील प्रदेश की जो मानगढ़ की पहाड़ी की चारों ओर से हमारे भीलवंशी समुदाय का एक जो जनसैलाब देखा है उस जनसैलाब को देख करके मैंने जो मेरे परिवार का जो बलिदान दिया है और मेरे परिवार को खोया है मेरे परिवार को तोड़ा है उस दुख में भी आप सबके चेहरों को देख करके आप सबके जोश को देखते हुए मुझे मेरे दिल में थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि मेरे बेटे जगदीश पांडोर का जो सपना था कि एक दिन हमारा भील प्रदेश बनेगा और भील प्रदेश में जो भील प्रदेश की जो शासन व्यवस्था होगी हमारे भील समुदाय के हाथों में होगी और हमारा एक दिन भील प्रदेश का सीएम हमारा आदिवासी होगा ये सपना मेरे बेटे ने देखा था। और मैं आप सबके ऊपर इस ज्ञानगढ़ की पावन धरा से एक संकल्प लेकर के जाने के लिए ये वचन दे जाता हूं कि आप आज जो हमारा समाज एक जो धर्मपूर्वी समाज है उस समाज के इतिहास को समझना होगा हमें कि जिस समाज ने दूसरों के लिए काम किया है जियो और जीने लो के सिद्धांत पे काम किया है जीव मात्र के कल्याण के लिए काम किया है और अपने लिए अपने दूसरों को संरक्षण दिया है और सबको सुरक्षा प्रदान किया सबको मदद दिया है। लेकिन आज हमारा समाज किस हाशिए पे जाके खड़ा है ये अपन सबको लोगों को सामने है। आज हमें हमारे इतिहास को पढ़ना है हमारे आठवीं कक्षा की सामाजिक का त्रियाजीसवा पेज नंबर देख करके पढ़ करके देखिए कि वहां पे हमारे भील समाज के बारे में बिल्कुल एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिक किताब है उसके अंदर लिखा है कि भील समाज आदिवासी समाज धर्मपूर्वी समाज है किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। आज जो लोग हमें धर्म और वर्ण की जो वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं हमें कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है हिंदू है या नहीं है ये हमारा इतिहास हमें बताता है। यही धर्म और वर्ण व्यवस्था और राज व्यवस्था ये बाद में आई है पहले मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में आई है। तो साथियों में आप लोगों को सबसे ज्यादा बहुत से मेरे से बड़े बड़े शिक्षाविद बड़े बड़े विद्वान इस आदिवासी परिवार की विचारधारा को इस तरह से यहाँ तक ला करके खड़ा करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आज से यहाँ जो आकर के जाएगा वो हर घर पे हमारे भील प्रदेश का झंडा लगाए और भील प्रदेश का जो सपना है उस सपने को पूरा करे। इन्हीं के साथ में मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय जोहर जय आदिवासी जय भील प्रदेश जगदीश पांडोर अमर रहे अमर रहे। जगदीश पांडोर अमर रहे जगदीश पांडोर अमर रहे। जिन्होंने विचारधारा के लिए अपना बलिदान दे दिया और मैं समझता हूं कि जिस दिन अगर भील प्रदेश बनता है तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसे साथी जिन्होंने भील प्रदेश की आवाज के लिए अपना जीवन खो दिया। अब मैं